नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले उडिल्यू 300 टैबलेट के बारे में। उडिल्यू 300 टैबलेट अबॉट द्वारा बनाया जाता है। इसमें आरसे ऑक्सी कोलिक एसिड कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइस लगभग 694 रुपये है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। उडिल्यू टैबलेट के मुख्य इस्तेमाल। उडिल्यू 300 टैबलेट का इस्तेमाल प्राइमरी बिलेरी सिरोसिस और पित्ताशय की पथरी में किया जाता है। उडिल्यू टैबलेट के लाभ। प्राइमरी बिलेरी सिरोसिस का इलाज। प्राइमरी बिलेरी एक प्रकार की लीवर की बीमारी है जो धीरे धीरे समय के साथ बिगड़ जाती है। इसे हमेशा साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन समय के साथ उसमें इससे लीवर विफल हो सकता है। उडिल्यू 300 टैबलेट का इस्तेमाल इस स्थिति का इलाज करने के लिए किया जाता है और इसे अकेले या अन्य दवाओं के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अधिक पित्ताशय की पथरी का इलाज। उडिल्यू 300 टैबलेट एक दवा है जो आपके लीवर द्वारा उत्पादित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है। ये पित्ताशय में पथरी के रूप में जमे कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में मदद करता है। पथरी को पूरी तरह से घुलने में कई महीने लग सकते हैं, इसलिए आपको नियमित रूप से इस दवा का लेना चाहिए और असरदार होने के लिए जब तक डॉक्टर ने बताया है तब तक अन्य दवाएं और जीवनशैली में कुछ बदलाव हो सकते हैं। उडिल्यू टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से इस दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते या लक्षण बिगड़ने लगते तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। उडिल्यू के सामान्य साइड इफ़ेक्ट पेट में दर्द, डायरिया, दस्त, बाल झड़ना, खुजली, मिचली आना, रैश। उडिल्यू टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुमाप की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इससे साबुत निकले, इसे ना ही चबाए, कुचले और तोड़े। उडिल्यू 300 टैबलेट को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। उडिल्यू टैबलेट को यूज करने के कुछ खास टिप्स। उडिल्यू 300 टैबलेट को एक गिलास दूध या पानी के साथ भोजन के बाद लेना चाहिए। स्वस्थ आहार खाएं, नियमित व्यायाम करें और शराब का सेवन से बचें। दस्त एक दुष्परिणाम की तरह हो सकता है। अगर डायरिया, दस्त बनी रहती है या अगर आपके मल में ब्लड आता है तो पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिए और अपने डॉक्टर को बताएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।